Hello everyone, I'm here for class 3, lesson number 2, Sona's Adventure 1. इस कहानी के दो पार्ट हैं, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1, यानी कि एडवेंचर्स 1. एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है? एकदम साहसिक भरा कार्य या जोखिम भरा कार्य. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड. कैन यू नेम द एनिमल दिस पिक्चर, यूज द क्लूज एंड राइट द नंबर ऑफ द पिक्चर एंड द नेम ऑफ द एनिमल्स ऑन द करेक्ट ब्लैंक. यहाँ पे हमसे बोला गया है, क्या आप इन चित्रों को देख के जानवरों का नाम पहचान सकते हैं? और यहाँ पे जो हमको क्लूज दिए, यहाँ पे आप सही तरीके से इन जानवरों का नाम लिख के और आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर किस नंबर पे है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है, माय हम अलाउ मी टू स्टोर फुट फॉर डेज, यानी कि जो हम होता है ऊपर की जो पीठ होती है वो उसकी मदद करती है उसका भोजन कलेक्ट करने के लिए कुछ दिनों तक. कौन सा जानवर होता है? तो नंबर 2. ये किसका हम्प है? कैमल का हम्प है. तो मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा है और यहाँ पे कैमल लिखा है, CAMEL, कैमल. माई बैक फीट हेल्प मी टू स्विम, उसकी जो बैक फीट होती है वो उसके तैरने में मदद करती है. तो यहाँ पे देखिए ये दिया है, क्या पहचान सकते हैं जानवर कौन सा है? ये होती है पैंगविन. पैंगविन के बैक फीट होते हैं जो उसकी तैरने में मदद करता है. तो यहाँ पे पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है पैंगविन, PENGUIN, पैंगविन. नंबर 3, माई लॉन्ग नेक हेल्प मी टू रिच फॉर द लीव ऑन द टॉलेस्ट ट्री. टॉलेस्ट ट्री में मेरा गला मेरा मदद करता है मुझे पत्तियां लेने के लिए, पत्तियां खाने के लिए. कौन सा जानवर है ये जिसका लंबा गला होता है? जिराफ. जी हाँ, यहाँ पे दिया नंबर 5, तो यहाँ पे लिखे नंबर 5 और यहाँ पे जिराफ की स्पेलिंग, GIRAFFE. माय स्टिप्स फॉर हेल्प मी टू हाइड फ्रॉम प्रे व्हेन आई एम हंटिंग, उसकी जो धारीदार चीज, शरीर में जो धारीदार चीज होती है वो उसकी मदद करती है उसको शिकारी से बचाने के लिए. क्या चीज है वो? नंबर 4, ये क्या है? टाइगर, TIGER, टाइगर. माई हूफ्स प्रोटेक्ट माई फीट फ्रॉम द हार्ड ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड में उसके जो हूफ्स फीट होते हैं वो उसकी मदद करते हैं. क्या है? नंबर 6, आप पहचान सकते हैं कौन से जानवर है? यस, हॉर्स. नंबर 6, HORSE, हॉर्स. आई यूज माई ट्रंक टू लिफ्ट ईट ड्रिंक एंड स्मेल, वो अपने ट्रंक को यूज करता है खाने के लिए पीने के लिए और सूंघने के लिए. क्या बता सकते हैं कौन से जानवर है ये? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट नंबर 1. Sona is hopeful that he will make some new friend. Sona को बहुत उम्मीद थी कि वो अपने कुछ नए दोस्त बनाएगी, नए साथी बना पाएगी. But when he set out to explore मतलब क्या होता है? पता लगाना है. जब उसने पता लगाया his new neighborhood, neighborhood मतलब क्या होता है? आस पड़ोस. उसकी नए आस पड़ोस में जब उसने जाना, he get an unpleasant shock, उसको unpleasant shock मिला मतलब नापसंद वाली चीजें मिली जो नहीं होनी थी. Section 1, a mother camel and her young son Sona, एक mother camel और उसकी बच्ची, उसका नाम क्या था? Sona. We are slowly walking along in the desert. Desert मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे रेत भरी होती है. It was very hot day और वहाँ पे बहुत गर्मियों के दिन थे. The burning yellow sand showed in the bright sun. है ना, चमकीले सूरज में जो सैंड थे, जो रेत थी वो चमक रही थी. Suddenly Sona stopped and dug his feet into the sand. सोना रुक गई, एकाएक सोना रुक गई और उसने अपने जो पैर थे उसने डग खोदना चालू कर दिया सैंड में. आई वोंट गो एनी फर्दर, मैं आगे नहीं चलूंगी. ही ग्रम्बल, है ना, वो क्या बोली? ग्रम्बल हुई. ग्रम्बल मतलब क्या होता है? कंप्लेन किया उसने अपनी मम्मी से, शिकायत की कि मैं आगे नहीं जा सकती. आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है. आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए. His mother looked down at him and said, उसकी मम्मी ने नीचे देखा और उससे कहा, I know you must be thirsty my dear, मुझे पता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है मेरी प्रिय. But it won't be for long, but ये प्यास ज्यादा समय के लिए नहीं है. Water is near, look, देखो पानी पास में है. She stretched her long neck towards a line of tree, उसने अपनी गर्दन ऐसे लंबी करी, कहाँ पे? पेड़ों के पास. Some distance away, जो उनकी कुछ ही दूरी पे थी. You see those tree there, क्या तुम वो पेड़ देख सकती हो वहां पे? In desert, where there are trees, there
इज वाटर. रेगिस्तान में जहाँ पेड़ होते वहाँ पे पानी होता है. देयर माइट इवन बी अ विलेज, है ना, वहाँ पे एक गांव भी हो सकता है. एनी वे देयर विल बी अदर एनिमल्स एंड यू कैन प्ले विद देम, है ना, और वहाँ पे दूसरे जानवर भी होंगे और तुम उनके साथ खेल सकती हो. कम नाउ, अब चलो. हाउ लवली सेड सोना एंड बिगिन वॉकिंग फास्ट. कितनी अच्छी बात है सोना ने कहा और उसने चलना शुरू कर दिया. सून दे रिच द ट्रीज, और वो पेड़ के पास पहुंच गए. जल्दी वे पेड़ के पास पहुंच गए. हिज मदर लिफ्ट हर हेड एंड स्नीफ. स्नीफ मतलब क्या होता है बेटा, सूंघना, है ना. उनने अपना सर नीचे नीचे किया और सूंघने लगी. कम दिस वे, चलो इस जगह से चलो. शी सेड टर्निंग लेफ्ट, और उसने उल्टा मुड़ के कहा. आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर, मुझे पानी की बू आ रही है, मुझे पानी की सुगंध आ रही है पास से ही. सराउंडेड बाई टॉल ट्रीज एंड थिक बशेज दे फाउंड ए पुल ऑफ क्लियर कूल वाटर, है ना. एक मोटे पेड़ों के पास, है ना, उनने क्या देखा, एक पुल देखा, एक छोटी सी जगह देखी जहाँ पे ठंडा पानी भरा हुआ था. लोअरिंग देयर हेड, अपना सर झुका के दे ड्रैंक डीपली, उन्होंने पानी पीना शुरुआत की. एक क्रो सिटिंग ऑन ए ट्री नियर बाय वॉच देम, एक कौवा पेड़ पे बैठा हुआ पास में उनको देख रहा था. व्हाट अ लॉट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, तुम तो कितना ज्यादा पानी पीते हो. ही ब्रस्ट आउट, ब्रस्ट आउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना. व्हेन सोना हैड हिज मदर फाइनली फिनिश, जब सोना और उसकी मम्मी ने पानी पी के खत्म कर दिया, जब उनकी प्यास बुझ गई. यू ड्रिंक मोर देन एनी अदर एनिमल आई हैव एवर सीन, है ना, तुम तो इतना पानी पीती हो जितना पानी तो बाकी जानवर भी नहीं पीते और ना ही मैंने देखा है. आई एम श्योर, कंटिन्यू द क्रो शेकिंग हिज हेड फॉल साइड टू साइड, यू कुड ड्रिंक द पुल ड्राई. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्रो ने कहा अपना सिर हिला के, तो तुम तो मेरा ये पुल पूरा सुखा दोगे. सेक्शन टू. नो वी कुडंट, लाफ द मदर कैमल. मदर कैमल हंसते हुए बोली, नहीं नहीं हम नहीं. बट यू आर क्वाइट राइट, हाँ बट तुम कुछ सही हो. वी कैमल ड्रिंक गैलून ऑफ वाटर एट अ टाइम. गैलून क्या होते हैं, 4.5 लीटर पानी को हम गैलून्स बोलते हैं, ठीक है. तो कैमल ने कहा, वी कैमल ड्रिंक गैलून्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, एक समय में हम 4.5 लीटर पानी पी लेते हैं. वाई आस्क्ड द क्रो, क्रो ने पूछा क्यों. वी लिव मोस्टली इन डेजर्ट वेयर वाटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड, हम लोग कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है. बट वी डोंट रियली माइंड, बट हमको इसकी कोई परवाह नहीं, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं. बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज, क्योंकि बिना पानी के हम दिनों दिन चलते रहते हैं. इन आवर स्टमक वी हैव अ सेपरेट कंपार्टमेंट टू स्टोर वाटर, हमारे पेट में हमारे लिए एक जगह, अलग जगह है जहाँ पे हम अपना पानी को भर के रखते हैं. Beside, when we don't get water, जब हमें पानी नहीं मिलता, our body can produce it, हमारे शरीर हमको वो दे देता है. Do you know when we last had drink of water? क्या आपको पता है कि हमने अपना आखिरी पानी कब पिया था. When asked the crow, who found this strange animal very interesting? Asked, crow ने कहा कब पिया था, और ऐसे अजीब जानवर को किसने, उसने एकदम इंटरेस्टिंग, इतना अजीब जानवर इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है. 5 days ago replied the mother, मदर ने कहा 5 दिन पहले. 5 days exclaimed the crow in amazement. He flew out to tell the other animal, उसने बोले 5 दिन, बाप रे, और वो उड़ गया दूसरे जानवरों को बताने के लिए. When Sona heard this, he felt proud, जब सोना ने सुना तो उसको अपने आप में बहुत गर्व हुआ. We are very special, aren't we, mother, he said. उसने कहा कि माँ हम बहुत खास हैं, सही कहा ना मैंने. Of course, said his mother, उसकी मम्मा ने कहा हाँ हाँ. The camel sat down in the shade of the tree, जो camel थे वो बैठ गए पेड़ की छाव में. The mother camel soon began to doze, doze मतलब क्या होते हैं, सो जाना, है ना. तो mother camel को नींद लग गई. Go to sleep, सोना, उसने सोना से भी कहा तुम भी सोने जाओ. said his mother, मदर ने कहा. Not yet, I am going exploring, said सोना and wandered off, है ना. वो क्या, उसने सोना ने क्या कहा कि I am going exploring, exploring मतलब मैंने पता, आपको बता दिया, पता लगाना, वो पता करने जा रही थी और वो घूमने लगी इधर उधर.
द क्रो हैड ऑलरेडी स्प्रेड द न्यूज अबाउट द कैमल, और जो क्रो था उसने जो ऊंट थे उनके बारे में सारा समाचार आदि सभी जानवरों को दे दिया था. द ओल्डर एनिमल्स हर्ड व्हाट द क्रो सेड विथ लिटिल इंटरेस्ट, बट द यंगर वन सेट ऑफ एट वंस टू सी दिस पैसुलियर एनिमल. पैसुलियर एनिमल मतलब क्या होता है? पैसुलियर मतलब होता है अजीब गरीब, है ना. जो ओल्डर थे उन्होंने तो एकदम ध्यानपूर्वक सुना, बट जो जवान थे जो वो थे वो उसको अजीबो गरीब जानवर को क्या करना चाह रहे थे? देखना चाह रहे थे. दे हाइड बिहाइंड बुशेस, वो लोग पेड़ के पीछे छुप गए, एंड रॉक पत्थरों के पीछे छुप गए सो दैट दे कुड सी विदाउट बीइंग सीन, ताकि वो उनको देख सके बिना उनके जाने. सेक्शन 3. दे सॉ सोना वंडरिंग अबाउट, उन्होंने देखा सोना को इधर उधर घूमते हुए. दैट टॉकेटिव रैबिट जंप आउट ऑफ अ बुश एंड सिटिंग ऑन हिज हिंड लेग स्टार्ट एट सोना, सडनली ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, है ना. जो एक रैबिट था वो एक निकला बुश के बाहर और उसके पाँव के पास जाके बैठ गया और वो जोर जोर से हंसने लगा. Who are you and what are you laughing at? asked Sona angrily. गुस्से में सोना ने कहा कि तुम कौन हो और तुम क्यों हंस रहे हो. You, ha ha ha, laughed the rabbit. Rabbit क्या करा? तुम, और वो हंसने लगा ha 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 करके. You look so funny. तुम तो कितने पागल दिखते हो. The crow told us you were wonderful animal. हमको कौवे ने कहा कि तुम तो बहुत wonderful animal हो. You are not wonderful at all. तुम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो. You are ugly. तुम तो बहुत बदसूरत हो. Ugly मतलब बदसूरत. And silly looking, और पागल जैसे दिखते हो. Look at those long long neck and funny hump back and that neck. Ha ha ha. उसने कहा कि तुम्हारे देखो ये लंबी लंबी leg और तुम्हारी ये funny humped पीठ देखो, और वो हंसने लगा. The other animal began to laugh too. और दूसरे जानवर भी उन पे हंसने लगे. The goat, the snake, the deer, the fox and other. They surrounded Sona and began making fun of him. और उन्होंने आसपास को घेर लिया और उसका मजाक बनाने लगे. What's your name? asked the snake. Snake ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? Was that big hump on your back? और वो अजीबो गरीब तुम्हारा big hump क्या है पीछे? Let's call him Humpy. Ha ha ha. और उसको हम्पी बोल के वो सब क्या करने लगे? हंसने लगे. No, no, said the goat. गोट ने कहा नहीं नहीं. We will call him Flatfoot. हम उसको Flatfoot करके बुलाएंगे. Look at those long legs and those funny flat feet. उसके देखो लंबे लंबे पाँव और उसके देखो चपटे चपटे पैर. The goat jumped up and down, showing off his lovely slim leg. है ना, और गोट क्या है ऊपर नीचे उसके पाँव के पास कूदने लगा और उनको बताने लगा उसके लवली लेग को. What about that silly long neck? Ha ha ha. है ना, ये silly long neck को देखो और वो हंसने लगा. And have you seen his tail? उसकी पूंछ देखिए. Cried the fox, pointing to Sona's short little tail. है ना, और जो वहां का fox था वो उसकी पूंछ की तरफ इशारा करके बोलने लगा. Look at my beautiful tail. मेरी पूंछ देखो कितनी सुंदर है. He added proudly, waving his bushy tail. और वो अपनी दुम हिलाने लगा. कौन? फॉक्स हिलाने लगा मेरी सुंदर बुशी टेल हिलाते हुए, प्राउड करते हुए, घमंड करते हुए. डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ, सेड द डियर. डियर ने कहा. हु वॉज काइंड एंड जेंटल, जो बहुत दयालु था और बहुत प्यारा था, अच्छा था. लुक एट माई टेल, मेरी पूंछ देखो. इट इज जस्ट अ स्मॉल, ये कितनी छोटी है. पुअर सोना डिड नॉट नो वॉट टू से, पुअर सोना के पास कुछ कहने को था नहीं. फीलिंग वेरी हर्ट एंड एंगर, है ना. He ran to his mother. उसने महसूस करके बहुत उसको बहुत तकलीफ हुआ और उसको बहुत गुस्सा आया. वो अपनी मामा के पास दौड़ लगाई. उसने अपने मामा के पास दौड़ लगाई. All the way back he could hear their laughter. और भागते टाइम भी, दूर निकलने के बाद भी उसको वो हंसी सुनाई दे रही थी. Thank you.